ज्यादा मायने रखता है, तो आपके लिए कुछ नहीं जाएगा भाई, आपको जस्ट क्लिक करना है मोबाइल पे, कर दो अब। तो फाइनली दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपने गाड़ी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए। सीन ऐसा था एक्चुअली, ब्लॉग में कहीं और से शूट करने वाला था, प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं जाने वाला था गाड़ी को वॉश करने के लिए, ठीक है, मतलब सोचा था कि गाड़ी को मैं वॉश करूँगा। मेरा ऑन द वे मेरा एक दोस्त का वॉशिंग सेंटर था, आई वॉज लाइक कि मैं वो गाड़ी को वॉश करूँगा तभी ब्लॉग की जो है हम शुरुआत करने वाले थे। लेकिन पंगा ऐसा हो गया कि भाई थोड़ा सा अभी बीमार है, तो इसलिए मैं वहाँ जाके ब्लॉग जो है वो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि उसका शॉप जो है बंद था। धीरे ही चलाना पड़ेगा क्योंकि उसका जो है शॉप बंद था और गाड़ी भी थोड़ी गंदी है, तभी कुछ नहीं कर सकते यार, गंदी गाड़ी चलाने की थोड़ी इच्छा कम होती है। फिर भी ठीक है, एनी हाउस हम अभी चलते हैं, एक 40-50 किलोमीटर का छोटा सा राइड है हमारा, वो एक लोकेशन तक हमें पहुँचना है, उस शॉप तक हमें पहुँचना है, वो होते ही मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, ऑन द वे की जर्नी भी दिखाऊंगा इस चीज़ में, और उसके साथ ही हम जो इंस्टॉलेशन करेंगे और एक छोटा सा सरप्राइज आपको देंगे कि अभी मैं फिलहाल रिवील नहीं करूंगा कि मैं कौन सा लाइट कौन सा लाइट मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, कौन सा लाइट लगाने वाला हूँ, वो चीज़ मैं आपको फिलहाल नहीं दिखाऊँगा, वो चीज़ जो है वो डायरेक्टली मैं वहाँ जाके दिखाऊँगा, अभी आपको वो पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइज है। हाँ, तो मैंने जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहना है क्योंकि भाई इतनी ज़रूरत नहीं थी, छोटी सी हमारी राइड थी तो जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत हेवी हो जाता है वो चीज़, तो जैकेट मैंने नहीं पहना है, खाली ग्लव्स मैंने पहने हैं और फुल स्लीव्स का शर्ट डाला है। भाई बहुत गर्मी है वैसे तो, फिलहाल ठंडी हवा है लेकिन हमें थोड़ा सा लेट होने वाला है, तो इसलिए मैंने पहले से ही फुल स्लीव्स का शर्ट डाल के रखा है ताकि भाई सब कुछ हो जाए लेकिन हम काले नहीं होने चाहिए भाई। नो ऑफेंस बट एनीवेज वो फुल स्लीव्स मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो चलिए अभी करते आगे की जर्नी कंटिन्यू। फिलहाल पेट्रोल हमें डालने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें मैप लगाने की जरूरत है क्योंकि भाई रास्ता तो हमें पता है, ये तो मेरा हमेशा का ही रूट है। जैसे कि आपको बता होगा ये मेरा होम टाउन है आरवी, जो कि वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है, अमरावती से एक अप्रोक्स 50-60 किलोमीटर की दूरी पे, तो ये रास्ता तो मेरा हमेशा का ही। और एनीवेज मैं कल ही इस रूट से आया था लेकिन वो कल मैं कार से आया था तो ऑब्वियसली वो जर्नी मैं नहीं शूट कर सकता हूँ, ठीक है, और वो भी वैसे भी वो फैमिली के साथ था तो वो तो मैं ऑब्वियसली शूट नहीं करूंगा। तो आज हम फिर से जा रहे हैं, तो रास्ता और मैप की हमें कोई जरूरत नहीं है, मैप बचपन से हम यही रोड पे घूमते हैं, मैप की जरूरत नहीं है, पेट्रोल हाफ टंकी से ज्यादा है उसमें आप आराम से हमारा आना जाना हो जाएगा, इसलिए उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम अपनी जर्नी जो है करते हैं कंटिन्यू। ये व्यू देखो भाई, जब रात में आए थे तो कुछ नहीं था यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं था इन द सेंस रिवर थी लेकिन हम दिखा नहीं पाए, ये देखो क्या मस्त नज़ारा है ना भाई, ये तो हम पहले बचपन से एंजॉय करते हैं भाई, ये देख लो क्या मस्त है। जब मैं पूना से घर की ओर आ रहा था तब मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो थोड़ा सा अगर मैंने स्पीड हाई स्पीड देख लाइक 70-80 के ऊपर अप्रॉक्स 80 के ऊपर गया तो नॉइस में ना थोड़ा सा खटखट खटखट की आवाज़ आ रही है। आई डोंट नो अभी वो किस चीज़ के कारण है, मैंने माइक भी बढ़िया क्वालिटी का माइनो का माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं, अगर आपको चाहिए तो लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, उसमें से थोड़ा सा फ़ायदा मेरा भी हो जाएगा, लो ना लो वो आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन अब माइनो का माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं, बेस्ट है, लेकिन फिर भी यार वो हाई स्पीड में थोड़ा सा मेरे को नॉइज़ का दिक्कत आ रहा है, तो जब भी मैं मुझे बात करना होता है मैं थोड़ा सा स्पीड उसका कम कर लेता हूँ, उसके बाद ही जो है हम बात कर पाते हैं, तो ये इशू क्यों हो रहा है ये मेरे को नहीं समझ रहा है। अगर आपके साथ ये दिक्कत होती है तो प्लीज़ मेरे को बताएं और आपने उसको रिजॉल्व कैसे किया ये भी ज़रूर ज़रूर मेरे को बताएं। बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है समझ रहे हो, इसके लिए तो आपका एक लाइक बनता है यार, सीरियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुँचना चाहिए, उसके लिए आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो आपके लिए कुछ नहीं जाएगा भाई, आपको जस्ट क्लिक करना है मोबाइल पे, कर दो अभी, कर दो तुरंत कर दो, बाद में भूल जाओगे, ठीक है, तो आपको वो लाइक करना है अभी, कर दो बटन दबा दो, हो जाना चाहिए लाइक, ठीक है, मुझे बाकी कुछ नहीं पता, लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइब करो मत करो, बाद में करो, बाद में अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो बाद में आप सब्सक्राइब करो, लेकिन आपका एक लाइक मुझे ज़रूर चाहिए, ठीक है, ज़्यादा विंड ब्लास्ट हो रहा है और आप
फिलहाल नज़ारे का मज़ा उठाइए, लुत्फ़ उठाइए जो बोलते हैं, और वेदर भी हमारा एकदम लाजवाब है जिसको बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया वेदर है फिलहाल। ऐसे गर्म ही जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है, शायद हो सकता है मैं बाइक पे उसने मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन बढ़िया मस्त ठंडा ठंडा मौसम है, थोड़ा सा धूप खिली है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, सर्दियों का मौसम है, मस्त धूप खिली हुई है, एक नंबर बारिश, गाड़ी चलाने में तो भाई एक नंबर मज़ा आ रहा है। ठीक है, कभी भी गाड़ी को कभी भी उठाओ कभी निकालो, वैसे भी पुणे से आने के बाद वो एप्रोक्स 5-6 दिन तक वैसी बंद थी, तब अभी को नहीं भाई घर के बहुत ज़्यादा काम थे, ठीक है, उसको निकालने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो घर वहाँ से आने के बाद ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट टाइम ही मैंने बाइक निकाली 5-6 दिन के बाद, और जब भी निकालो बाइक को चलाने में एक नंबर मज़ा आता है यार, ये छोड़ ही दो, ये सोचने नहीं होता है बाइक को, भाई जो बाइक लवर होगी वो समझ सकते हैं, एक बार आप 5-6 दिन का ब्रेक ले लो, जब बाइक निकालोगे ना क्या फीलिंग है यार, उसके उसके उससे उससे अलावा दूसरी कोई फीलिंग नहीं है, एक नंबर फीलिंग है भाई, बस गाड़ी उठाओ चल जाओ। छोटी सी जर्नी होने वाली थी हमारी अभी, ये 1 घंटा भी नहीं लगेगा अप्रॉक्स 45 मिनट्स मुझे जाने के लिए, लेकिन फिर वो ट्रैफिक वैफिक लगेगा उसके कारण आप पकड़ लो 1 घंटा प्लस माइनस, तो उतना टाइम मुझे लगने वाला है, हाफ जर्नी कवर हो चुकी है, क्योंकि ये जो गांव है वो बीच में आता है, तो शायद अप्रॉक्स हाफ जर्नी हो गई कंप्लीट प्लस में थोड़ी सी, और आगे की हाफ जर्नी हमारी जो है वो है बाकी। थोड़ा सा ये हॉर्न मुझे दिक्कत दे रहा है, देख रहे हो अच्छे से नहीं बज रहा है यार, ये आधे टाइम का ही दिक्कत था, आप लोग तो पुणे में ही दिक्कत था, लेकिन फिर वहाँ पे भी वो टाइम नहीं मिला, मैं वैसे ही आ गया, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी। क्या कर रहे हैं वो बीच में गाड़ी लगा देते रास्ते के, हमेशा कही है दिख रहा है, इससे काफी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पे ड्रोन उड़ाने में क्या मजा आएगा, लेकिन शायद वो अलाउ नहीं होगा अपने को। ये मैं पहुंच गया अमरावती, भाई ये सिटी ने ना एक नंबर यार, जो लाइफ का सबसे बढ़िया टाइम जो होता है जो कॉलेज वाला, वो मैंने इस शहर में बिताया है, सीरियसली सबसे बढ़िया टाइम, इसलिए ये सिटी मेरी सबसे बढ़िया, जिस सिटी में आप आपका कॉलेज करते हो ना सब दोस्त लोग के साथ, उस सिटी से यार आपको प्यार हो जाता है, ये मोहब्बत है एक नंबर। कभी भी इतनी बार मैं यहाँ पे आता हूँ, लाइक जैसे कि अभी तो ये तो करंट इंसिडेंट है, मैं कल ही आके गया और आज फिर से आ गया, जब भी आता हूँ ना ऐसा कुछ नया लगता है यहाँ पे आने के बाद। करंट अपडेट यह है कि मुझे जो माउंटिंग क्लैंप है वो नहीं मिल रहा है यार, उसके सिवा उसको लगाने में मज़ा नहीं आएगा। बढ़िया, लेग गार्ड में फसल ना लॉन्ग पाव कर पाव कर, एक एक सेकंड इसको रन दो, परफेक्ट है ना, यस लग गया। क्या प्राइस है इसकी? ठीक है, कुछ काम होगा क्या? ये दो ना जो हारने पर ये कर दिया ऑनलाइन। ये क्या प्राइस में बेचते हो आप इसे? अलग अलग रेट के भैया, 2500 की स्टार्टिंग है। हाँ क्या? नहीं ये वाई वाले स्पेशली,
हार्नेस के साथ आते ये भी, मैंने छोटे लगा इससे। ठीक है फिलहाल तो बाद में दूसरे लगाएंगे। चलो भाई क्लैंप तो मिल गया, एक नंबर। स्विच वापस लगाने की कोशिश हो गई शुरू। जो खोलना और लगाना बहुत दिक्कत की बात है यार, खोल तो लेगा इंसान नहीं, लगाना फिट करना बहुत मुश्किल है। इसके साथ आता है ये दो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव जो बैटरी में जाएगा, ठीक है। और एक वायर आता है जो कि हमने इधर लेके गए, ये देखो कि उसके पास एक वायर होता है जो ये आपके इग्निशन में जाता है, ये यहाँ से सीधा इसको दूसरा वायर अटैच करके आगे लेके गए। ये वायर है वो जो आया था वहाँ से इधर, और ये अपना इग्निशन स्विच, ठीक है। ये इन वाला है जो करंट लेके आएगा, और ये आउट वाला अपने को इसमें डालना है, ठीक है। तो ये सॉकेट लगता है यहाँ पे, तो अपने को ये वाले प्लग में डालना है। ये जाएगा वैसे बस, उसके बाद ये कपलर फिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फाइनल, अब ये अपने इग्निशन स्विच पे काम करेगा। तो ऐसा कोई सिस्टम है इसका, इसके लिए पूरा उसका फ्रंट एंड खोलना पड़ा, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पे। थैंक यू, तुझे नाव सांगून दे नंद्रा बड़के, शॉपचं नाव आहे एसबी कस्टम, भेट द्या नक्कीच, ठीक आहे। चल थँक यू, मस्त दादा आहे, चला येतो दादा। भाई एक नंबर बंदा था यार, सीरियसली बहुत ही बढ़िया काम किया उसने, ठीक है। पैसे तो हर कोई लेता है, लेकिन जो काम की क्वालिटी जिसको बोलते हैं ना, वो मेंटेन रहनी चाहिए। और इस बंदे ने एक नंबर काम किया मेरे गाड़ी का, मैं तो टोटली सेटिस्फाइड हूँ। अगर कोई भी बंदा अमरावती से ये ब्लॉग देख रहा है और बाइक इंथुजियास्ट है, तो मैं रिकमेंड करूँगा ये भाई से एक बार ज़रूर कॉल करें। इतनी बढ़िया बढ़िया उन्होंने मेरे को फ़ोटो दिखाई, इतनी बढ़िया बढ़िया बाइक उन्होंने कस्टमाइज़ किए ना भाई, लाजवाब एकदम। और वैसे भी अपने को ये गाड़ी में खोलने के लिए बहुत टाइम लगता है यार, इसको ओपन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखो भाई क्या बढ़िया दिख रहे दिखने में, एकदम बेहतरीन, ठीक है। इसको जला के देखते हैं, देखो इसे समझ में नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि उसका फोकस थोड़ा सा नीचे करके रखा है, सेट करने के लिए टाइम नहीं मिला था। और ये ऐसा कुछ इसका वार्म बाइट है, इसके बाद में ये इसका येलो बहुत ज़्यादा है भाई, देख लो मेरे आंग भी पूरा आ रहा है, ठीक है। देखते ये देखो आगे कैसे दिख रहा है, ये इसको थोड़ा सा नीचे करके रखा हूँ फिलहाल, बाद में इसको एडजस्ट करेंगे। ये इसका डांसिंग वाला मूव्स, ये एक नीचे एक ऊपर, ऐसे कुछ तो भी हुआ है शायद, हिलेगा क्या मेरे से, नहीं हिलेगा।
ठीक है, इसको बाद में एडजस्ट करेंगे अपन। येलो, ये वाइट, ये ऑफ वाइट दोनों बढ़िया। ठीक है, भी चलते हैं। जाते जाते शायद अंधेरा हो जाएगा, तब वो कुछ उसका मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसे टाइम में तो वो नहीं आता यार, इतना मज़ा नहीं आता ऐसे उजाले में। मैं कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मेरे को लग रही है ठंड, ज़्यादा ठंड हो जाए उसके पहले अपने को पहुंचना है। अरे यार सही टाइम डाउन था, ज़्यादा ठंड हो जाए उसके पहले अपने को पहुंचना है घर पे। सब ले लिया, निकले कुछ नहीं था। ऑलराइट, तो ऐसे कुछ अपडेट है आज का? इंस्टॉलेशन भाई ने एक नंबर किया भाई, मैं तो पूरा सेटिस्फाइड हूँ। और ये जो हॉर्न अपना काम नहीं कर रहा था, मैंने उससे वो भी करवा लिया उसी पैसों में, उसने ये भी ठीक करके दे दिया भाई, एक नंबर है अपना। कभी भी आप अगर अमरावती के व्यूअर्स हो ना और बाइक का कुछ भी काम करना हो, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भैया का नाम और नंबर डाला है, एक बार उनसे कंसल्ट तो बिल्कुल बनता है, ठीक है। और मेरा नाम बोल देना वीडियो देख के आया करके, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, सही है। और भाई कहाँ घुस रहा भाई तू? ऐसे ही कुछ अपडेट है वीडियो, आज के अपना काम हो गया, लेकिन पूरा दिन चले गया यार उसमें। चलो मिलता हूँ अप्रॉक्स थोड़ा सा आधा रास्ता कवर करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। फिलहाल तो ऐसा कुछ आ रहा है यार, खाली एक लाइट चल रहा है ऐसा लग रहा है। इसका फोकस मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। विजिबिलिटी तो सफिशिएंट है, लाइट तो सफिशिएंट है, मे बी वो कैमरा में करना कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ विजिबिलिटी बहुत अच्छी उसकी और ये दिख रहा है। एक बार वो एडजस्ट हो जाएगा उससे क्या आएगा मेरे ख्याल से। ऐसा लग रहा है कि एक ही शादी है ऐसा कुछ प्रेशर है, ये प्रेशर। तो दोस्तों मैं आया था यहाँ पे लाइट की टेस्टिंग करने के लिए, देख सकते हो सारा अंधेरा है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़िया हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, मुझे भी नहीं दिख रहा था इसलिए मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, एक्शन कैमरा हमारे यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, देखो ठीक है। ये इसके DRL हो गए, अब इसको ये देखो इसका स्टॉप, स्टॉप का हेडलाइट है ये लोअर, ये अपर के साथ, ठीक है। अभी करता हूँ मैं इसका फॉग लाइट ऑन, ठीक है। ये हो गया येलो, देखो कितना क्लियर हो गया येलो। हाँ टोटल येलो है,
और एक मेन फिलहाल मैं इसको बंद बंद नहीं कर सकता, दिखेगा नहीं कुछ। मैंने क्या किया है, ठीक है। तो यही टेस्टिंग बाकी थी, अभी मैं फ्रंट कैमरा भी शुरू करूंगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, खाली सुन लो फिर ऐसे। ओके, यही टेस्टिंग बाकी थी अपनी, बाकी वीडियो तो सारा कुछ हो चुका है जैसे आपने देख ही लिया है, यही पार्ट बाकी था। ये पहले हो सकता था लेकिन थोड़ा सा मुझे भी टाइम नहीं मिला, इसके कारण ये अभी शूट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। ठीक है, और मैं मिलता हूँ ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Enjoy your life.